अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। ये सारे नाम एक ही टॉपिक से मंसूब हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। हम इसको इन शॉर्ट कंडीशनल ऑपरेटर कह लें या टर्नरी ऑपरेटर कह लें या डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर कह लें, दीज ऑल आर सेम। हम आज बात करेंगे इस टर्नरी ऑपरेटर को विद रेफरेंस टू सी प्लस प्लस। मैं सैयद अल हुसैन आपके साथ इस वीडियो में दोबारा से हाजिर हूँ और देखते हैं कि ये प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं और टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से यूज़ किया जाता है। हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं डेव सी प्लस प्लस। हम अपने एनवायरनमेंट या इंटरफेस के साथ दोबारा से लॉगिन हो रहे हैं डेव सी प्लस प्लस में। यहाँ पर हम लॉगिन होंगे, सॉरी, यहाँ पर हम अपनी न्यू प्रोजेक्ट और न्यू सोर्स फाइल खोलेंगे। उसमें हम टाइप करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड एक प्रोग्राम। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर की जब भी बात की जाए तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास या डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर हमारे पास इफ़ एल्स के सब्स्टिट्यूट पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल इफ़ की स्टेटमेंट, यहाँ पर हम इफ़ और एल्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। स्टार्टिंग में मैं इसमें लेबल कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर। और हम प्रोग्राम की टाइपिंग की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि जना हमें किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम हमारे पास है एक नॉर्मल सा, ग्रेटर देन हम फाइंड आउट करेंगे कि दो नंबर्स के बीच में कैसे ग्रेटर देन हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर मैं फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि बेसिक फाइल है stdio.h, और इसी तरह से मैं एक और फाइल conio.h भी ऐड कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पर उसके बाद मैं मेन के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर a कॉमा बी, और एक और वेरिएबल लेना चाहें तो हम l के नाम से लेते हैं, जो कि हम लार्ज के नाम से बना रहे हैं, या पूरा लार्ज लिखने ज़्यादा बेहतर है, लार्ज के नाम से वेरिएबल बनाया है। फिर हम आते हैं प्रिंट एफ की तरफ और हम देखते हैं कि क्या हमें इसकी में प्रिंट कराना है। प्रिंट एफ कोटेशन लगाए हमने बैकस्लैश एन, स्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं न्यू लाइन पे प्रिंट करने के लिए ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। एंटर टू नंबर्स या टू इंटीजर्स, दोनों बातें हो सकती हैं। और फाइनली हम यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ इसको एंड कर रहे हैं। न्यू लाइन पे आके हम स्कैन एफ कर रहे हैं। स्कैन एफ, हमें दो वेरिएबल्स के इनपुट चाहिए, तो हमने कहा परसेंट डी और दोबारा से हम परसेंट डी, दो हमें न्यूमेरिक वेरिएबल्स चाहिए। और इसमें हमने फिर कहा एड्रेस ऑपरेटर, एक हमारे वेरिएबल का नाम है ए, दूसरे वेरिएबल का नाम है बी। फाइनली फिर हमने सेमीकॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक और जो हमने वेरिएबल लिया है लार्ज के नाम से, लार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ए अगर बड़ा हो बी से, ए अगर बड़ा है बी से, क्वेश्चन मार्क का साइन रिप्रेजेंट करता है देन, सॉरी, ए अगर बड़ा है बी से देन के लिए मैं क्वेश्चन मार्क का साइन इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या करना, ए की वैल्यू को असाइन कर दो लार्ज के अंदर, अदरवाइज ये कॉलन का साइन बताता है एल्स, या अदरवाइज एल्स के लिए हम कहते हैं बी। सेमी कॉलन लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको रीड किया जाए, लार्ज के अंदर वो वैल्यू रख दी जाए अगर ए बड़ा है बी के, तो यानी क्वेश्चन मार्क का मतलब है देन ए की वैल्यू लार्ज के अंदर रख दो, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो एल्स पे जाएगा, एल्स मतलब एक कॉलन, और बी की वैल्यू लार्ज के अंदर रख दो, दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो लार्ज के अंदर रख दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ, इनकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, बैकस्लैश एन, द लार्जर वैल्यू या द लार्जर नंबर इज, कहाँ रखा है हमने परसेंट डी, और वो हमने प्रिंट कराया है, सॉरी, उसको वैल्यू को रखा है हमने लार्ज के अंदर, एल ए आर जी ई लार्ज। और यहाँ पर आके मैं प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूँ और गेट सी एच लगा के इसको एंड कर रहा हूँ।
यहाँ तक मैंने प्रोग्राम टाइप किया, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और एग्जीक्यूट करने में मेरे पास कंपाइल एंड रन, इस पर क्लिक किया, प्रोग्राम सेव करने के लिए कह रहा है, तो मैंने इसका नाम दिया टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर, ओपी इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑपरेटर के लिए, डॉट सीपीपी, सी प्लस प्लस। फाइल सेव हो गई और मेरे सामने इसका एग्जीक्यूशन भी आ गई है और ये रिजल्ट मेरे सामने है जो कि मैंने टाइप किया था। इंटीजर ए, बी और लार्ज के नाम से मेमोरी या बॉक्सेस बन चुके हैं जिनकी टाइप इंटीजर है। प्रिंट एफ, एक न्यू लाइन पे अगर देखें तो यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है टॉप पे। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में स्पेस दी थी लिहाजा इस वजह से यहाँ भी बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पेस आ रही है। एंटर टू नंबर्स स्लैश इंटीजर्स, ओके। उसके बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस कॉल्ड एज कर्सर, एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर मुझसे वो वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यूज़ में मैंने पहली वैल्यू दी 45, एंटर, ये ए में चली गई। दूसरी दी मैंने 56, ये बी में चली गई और उसने यहाँ पर मुझे प्रिंट कर दिया द लार्जर नंबर इज़ 56। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर, अगर ए बड़ा है बी से तो वो ए की वैल्यू को लार्ज के अंदर रख देगा, वरना बी की वैल्यू को लार्ज के अंदर रख देगा। इस तरह से हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर काम करते हैं। और लास्ट में आके द लार्जर नंबर इज़ लार्ज से वैल्यू उठा के लाया और उसने यहाँ ला के प्रिंट कर दी। आई होप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जिससे आपको क्लियर हुआ होगा कि टर्नरी ऑपरेटर हम अपने प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दीज टू ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, दीज टू ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।